यूपी लेखपाल भर्ती के परिणाम के लिए हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा अपडेट आया, उसको डिटेल्स हम लोग बात करने वाले। तो हेलो दोस्तों, यूपी तरफ से लेखपाल भर्ती 2022 का, जैसे वो लोग पता है कि रिजल्ट से रिलेटेड एक बड़ा अपडेट है हाईकोर्ट की तरफ से, तो ये अपडेट आया है। तो हाईकोर्ट की तरफ से क्या अपडेट आया है और क्या नई खबर आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सो गाइस, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको लेखपाल से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो आज के न्यूज़पेपर में जो खबर छपी हुई है, लेखपाल भर्ती के परीक्षा परिणाम पर जवाब तलब। तो हाईकोर्ट ने साथ यहाँ पे जवाब तलब मांग लिया है। तो यहाँ पे लिखा गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लेखपाल भर्ती परीक्षा के प्रश्नों के सही उत्तर न होने को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार के अधिवक्ताओं को 2 सप्ताह में जानकारी प्राप्त करने का निर्देश दे दिया है। मतलब कि कुछ क्वेश्चन आपका बुकलेट नंबर बी का 86 क्वेश्चन था, जो उसका क्वेश्चन का उत्तर वो गलत था, ठीक है। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बात है उसको मैं बता दूँ कि जिस पर कोर्ट ने सरकार से दिए गए उत्तर का आधार प्रस्तुत करने को कहा, मतलब कि जो सरकार जो सतो जैसे संस्था है जिसने मतलब कि ये बुकलेट छापी थी, उससे सतो क्वेश्चन का सही उत्तर मांगा गया था, लेकिन सही उत्तर को कहा गया था। साथ ही यह भी कहा गया कि परीक्षा का परिणाम याचिका के निर्णय पर निर्भर होगा। तो बुकलेट नंबर जो बी है उसका 86 क्वेश्चन का सही उत्तर मांगा गया है हाईकोर्ट की तरफ से। तो सरकार के द्वारा मतलब कि मांगा गया है कि सरकार जो बुकलेट नंबर 86 है उसका सही उत्तर दे, जिसको हम लोग मतलब कि रिव्यू करेंगे, सही से देखेंगे, तब जो परिणाम याचिका के निर्णय पर निर्भर हम लोग करेंगे, ठीक है। ये खबर है, जैसे कोई और अपडेट आता है पल-पल के अपडेट आपको देते रहेंगे। तो सो गाइस, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको पल-पल के अपडेट मिल सके। जय हिंद।